ये तो आज है 14 सितंबर। हाजिर हैं छत्तीसगढ़ के सभी बड़ी खबरें को लेकर। जी हां, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के बताएंगे ताज़ा हालचाल, शासन प्रशासन, योजना, शिक्षा, खेती किसानी की नई बड़ी अपडेट है। जी हां, तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखते रहिए, और आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख बड़ी खबर, ताज़ा हालचाल, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। तो चलिए दोस्तों फटाफट आज का जो वीडियो का सिलसिला है इसको हम शुरू करते हैं, और सबसे पहली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर सीएम भूपेश बघेल की 10वीं लोकवाणी रेडियो वार्ता, जानिए क्या क्या बातें कही। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को प्रसारित अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की 10वीं कड़ी में समावेशी विकास आपकी आस विषय पर श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखा है, इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के गंभीर प्रयास करते हुए राज्य सरकार सबसे विकास की व्यवस्था कर रही है। इस सीएम ने अपने रेडियो वार्ता में राजीव गांधी किसान न्याय योजना से प्रदेश के 19 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है, 2 किस्तों में 3,000 करोड़ का भुगतान हो चुका है, अब जल्द ही पूरे 5,700 करोड़ रुपए का भुगतान का वादा भी पूरा हो जाएगा। हमने न सिर्फ धान के किसानों को 25 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा पूरा किया है, बल्कि मक्का, गन्ना के साथ छोटी छोटी बहुत सी फसलें का भी बेहतर दाम देंगे। राज्य सरकार ने कर्ज माफी की, सिंचाई कर माफी किया। जी हां दोस्तों, वहीं गोधन न्याय योजना के चालू होते ही गोठानों के निर्माण में तेजी आई है, अब हर 15 दिन में हम गोबर खरीदेंगे, गोबर का भुगतान करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों सीएम बघेल ने अपने रेडियो वार्ता में तेंदुपत्ता को लेकर भी बातें कही। जी हां, तेंदुपत्ते की संग्रहण मजदूरी 4,000 रुपये करके ही चुप नहीं बैठे, बल्कि लघु वनोपज की खरीदी 7 से बढ़कर 31 तक पहुंचा दी, जो महुआ 17 रुपये में बिकता था उसे 30 रुपये किलो में खरीदा। ऐसे तमाम काम जनता की जरूरतें और दुख दर्द को समझने वाली सरकार ही कर सकती है। दोस्तों खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हैं और अगली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हां दोस्तों, सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास स्थान पर बैठक कर कई जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा, कानून और व्यवस्था की स्थिति, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की है। जी हां, बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, मुख्य सचिव आरपी मंडल, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, विशेष पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह भी शामिल थे। जी दोस्तों, इन तमाम बड़े अफसरों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में ही आयोजित बैठक पे छत्तीसगढ़ के जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की है। तो वहीं दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल ने रवाना किए कोरोना विजय रथ। जी हां दोस्तों, खबरें सामने आती हुई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार सवेरे यहां अपने निवास परिसर से कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए रायपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम के तहत कोरोना विजय रथ को ध्वजा दिखाकर रवाना किया। जी हां, मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर आम जनता से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव की गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर साबुन से हाथ धोएं, भीड़ में जाने से बचें। साथ ही राज्य सरकार की पूरी ताकत से इस लड़ाई में जुटी हुई है, सामाजिक और औद्योगिक संगठन के जुड़ने से हमारी ताकत बढ़ गई है, सभी के सहयोग से हम कोरोना के खिलाफ यहां जंग अवश्य जीतेंगे। इस रथ के माध्यम से आम लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी नियमों का पालन करने, भीड़भाड़ से दूर रहने, व्यक्तिगत स्वच्छता विशेष ध्यान रखने के संदर्भ में, साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार, फूस, स्वाद और गंध का पता न लगना जैसे लक्षणों पर चिकित्सकों से परामर्श, दवा के संबंध में अवगत कराया जाएगा। कोरोना मुक्ति रथ के माध्यम से जरूरी जानकारी के संबंधित पंपलेट भी वितरित किए जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने रवाना किए कोरोना विजय रथ, और साथ ही साथ जनताओं से अपील की और कोरोना के मद्देनजर जारी किए गए दिशा निर्देश को पालन करने की विनती भी की। ये फटाफट आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर, जी हां, रायपुर से, रायपुर जिले में अब 29 केंद्रों पर होगी कोरोना की निशुल्क जांच, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा टेस्ट। यह कोरोना वायरस संक्रमितों की पहचान के लिए रायपुर जिले में 29 केंद्रों पर सैंपल संकलित कर जांच के जरिए कोविड-19 के संभावित मरीज या कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों को इन केंद्रों में सैंपल देकर निःशुल्क जाँच करा सकती हैं। रायपुर शहर में शहरी प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्रों जैसे कि खोखो पारा और लावान
घाटी और उरला के साथ शंकर नगर से विधानसभा जाने वाले मार्ग में स्थित बाल आश्रयालय, गुड़ियारी के भारत माता चौक स्थित श्यान सदन और चंगोरा भाटा संस्कृत भवन और भानपुरी बाजार चौक में मितानिन भवन कोविड 19 की पहचान के लिए स्वाब सैंपल की जांच की जा रही है। इन केंद्रों में सवेरे 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जांच के लिए सैंपल किए जा रहे हैं। जिला अस्पताल पंडरी कालीबाड़ी, टीबी अस्पताल और बीरगांव शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। संदिग्ध मरीज सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक इन सेंटरों में पहुंचकर अपना जांच करवा सकते हैं। सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां रायपुर जिले में 29 केंद्रों पर होगी कोरोना की निःशुल्क जाँच। तो अगर आप भी रायपुर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो अपना विचार जरूर से लिखिए, और अगर आपको संदिग्ध संक्रमण है तो आप जरूर से एक बार जाके इन केंद्रों पर विजिट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, खबरों को बरकरार रखते हैं और अगली बड़ी अपडेट पर हम आप लोग के लिए चलते हैं। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट, एक ही दिन में 3000 से पार नए संक्रमित। जी हां, राजधानी में शनिवार को 764 समेत प्रदेश में कोरोना के 3120 नए मरीज मिले हैं। अम्बेडकर अस्पताल में मेडिसिन की HOD और कार्डियोलॉजी के HOD व फॉरेंसिक मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। प्रदेश के पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की मृत्यु भी हुई है, जिनमें 11 रायपुर के हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना से 540 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। रायपुर में भी मृतकों की संख्या 250 है। नए केस मिलाकर प्रदेश के मरीजों की संख्या 61,000 से ऊपर हो गई है। इसमें एक्टिव केस यानी 32,246 हो गए हैं। इलाज के बाद 37,978 लोग स्वस्थ हैं। रायपुर में मरीजों की संख्या 21,229 और एक्टिव केस 13,000 पार हो गई है। डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव आने के कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों पर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। तो चलिए दोस्तों, लेटेस्ट छत्तीसगढ़ कोरोना अपडेट हमने आप लोगों को बताया, और चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो चलिए दोस्तों, वही खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ PSSC 2020 की तैयारियों को लगा झटका, अब तक नहीं भेजा भर्ती प्रस्ताव। जी हां, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को वर्ष 2020 की भर्ती की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों में PSC की भर्ती परीक्षा के जरिए भरे जाने वाले रिक्त पदों की जानकारी ही नहीं भेजी गई है। जी हां, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र जारी कर रिक्त पदों की जानकारी 31 अगस्त तक मांगी थी। ऐसे में PSC के विभागों से रिक्त पदों का इंतजार करना पड़ रहा है। PSC हर साल भर्ती परीक्षा का आयोजन करती है। इस बार PSC 2020 की तैयारी शुरू हुई थी, लेकिन सरकारी विभागों की लापरवाही के कारण PSC को अब तक रिक्त पदों की जानकारी ही नहीं मिल सकी है। जबकि रिक्त पदों के आधार पर भर्ती नियम और आवेदन के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि विभागों की गलती की वजह से अब आवेदन प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। इस मामले में अफसरों का कहना है, कोरोना संक्रमण की वजह से हालात बदले हुए हैं। कार्यालय और कर्मचारी की उपस्थिति वैसे ही कम है। ज्यादातर विभागों में कोरोना संक्रमण के जुड़े कामों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। तो जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ PSC 2020 की जो तैयारियां फिलहाल वो लटका हुआ है और उन लोगों के लिए बड़ी झटका है जिन्होंने छत्तीसगढ़ PSC 2020 की तैयारी कर रखी थी। जी हां, तो वहीं दूसरी ओर, जी हां, छत्तीसगढ़ सरगुजा से आ रही है खबर। जी हां, छत्तीसगढ़ सरगुजा में होगी ट्राइब फूड पार्क, जनता की भलाई की और विकास कार्यों को प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि सरगुजा जिले के वनवासी को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वनधन योजना के तहत वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण हेतु ट्राइब फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने तथा जमीन चिन्हांकित करने के निर्देश दिए। सरगुजा जिला विकास समन्वयन एवं निगरानी समिति दिशा को पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री सिंह अपने निवास कार्यालय और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव रायपुर से ऑनलाइन जुड़े। बैठक में जिले केंद्रीय योजना तथा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं क्रियान्वयन पर विस्तृत समीक्षा की गई है। वहीं योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा सरगुजा में विकास कार्यों को गति देने पर विस्तार से चर्चा की गई। तो इस तरह से आ रही है खबर भाई जी, सरगुजा में होगी ट्राइब फूड पार्क, जनता की भलाई और विकास कार्यों को दिया जाएगा प्राथमिकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों का सिलसिला बरकरार रखते हैं और दूसरी बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी को मिला स्कॉच अवार्ड का सम्मान। जी हां, प्रदेश के हज यात्रियों के लिए राज्य हज कमेटी द्वारा की जाने वाली या उत्कृष्ट हज व्यवस्थाओं के लिए स्कॉच ग्रुप ने नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। स्कॉच ग्रुप नई दिल्ली द्वारा स्कॉच अवार्ड 2020 के लिए प्रदेश में जाने वाले
हज यात्रियों को राज्य हज कमेटी द्वारा दी जा रही उल्लेखनीय सेवाओं की सराहना करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। भारतवर्ष में हजियों के लिए उत्कृष्ट कार्य एवं सृजनात्मक प्रयोग के लिए राज्य हज कमेटी को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से खबरें, छत्तीसगढ़ राज्य की हज कमेटी को मिला स्कॉच अवार्ड का सम्मान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ किसानों को लेकर खबरें हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किसान परेशान, धान की फसल बीमार, कीटनाशक और दवाइयां भी बेकार। जी हाँ, सरगुजा संभाग के 3 जिले सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर इलाके में किसानों इन दिनों धान में लगने वाली झुलसा और तनाछेदक के साथ दूसरी कीटों और बीमारियों के कारण परेशान हैं। कई किसान को निजी दुकानों को कीटनाशक और दवाएं खरीदने में सक्षम नहीं है, इसी वजह से कीटनाशक का लेना महंगा हो रहा है। जी हाँ, वहीं कृषि विभाग द्वारा धान की प्रदर्शनी खेत करने वाले किसानों को दिए गए कीटनाशक भी कारगर नहीं है, जबकि इस साल अफसरों ने 1.5 करोड़ का कीटनाशक और दवाइयाँ की खरीदी की है। 4 सालों तक सहकारी सप्लाई के मिले कीटनाशकों का उपयोग करने वाले किसान कह रहे हैं कि इसकी क्वालिटी खराब होती है। जी हाँ, और कोई असर नहीं होता है। जी हाँ, इस समय तीनों जिलों में करीब 30,000 एकड़ से अधिक धान फसल में कीट और बीमारियों का प्रकोप है। ऐसे में किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है, उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा, तो ऐसे में किसान कर्ज से लद सकते हैं। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर कॉलेज के वैज्ञानिक फील्ड में नहीं जाते हैं, ऐसे में इलाके के किसान सरकार से उम्मीद आस लगाए बैठे हुए हैं। और किसान भाई, अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप अपना विचार, सुझाव, राय, प्रतिक्रिया जरूर से व्यक्त कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप देख रहे थे 14 सितंबर छत्तीसगढ़ प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं जो वीडियो है आप लोग को अच्छा लगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिएगा। छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।